सो गाइस अभी चलते हैं मेरे साहिल भाई के साथ, है कि नहीं? और इसका भाई भी है, देखो यार क्या बताओ अभी। सो गाइस हम पानी में पहुंच चुके हैं जालुकबारी। अभी जालुकबारी से चलना पड़ेगा पान बाजार, और मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त साहिल। तो अभी चलिए चलते हैं। सो हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आए वापस बनेंगे? तो मेरा नाम है अक्रम, आप देख रहे हैं एके एरियल ब्लॉग। तो आज का प्लान इस तरीके का है, आज हम आए हैं ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर पे, जहाँ पे मिलती है अमीरों की कॉफी। तो आप लोग क्या बताओ यार, और जिन्होंने भी मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा उन लोगों को पता ही होगा कि मैं लास्ट गया था ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट पे, और आज आया हूँ उसी के पास ही है ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। और मेरे साथ आया है मेरा दोस्त योर लोकल ब्लॉगर, आप लोग देख सकते हो। आप लोगों ने इनका तो नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना है तो मुझसे सुन लीजिए। सो गाइस अभी चलिए अंदर चलते हैं। सो गाइस अभी अंदर चलते हैं, देख सकते हो। सो गाइस गाइस ये रहा टिकट काउंटर, आप लोग देख सकते हो। तो अभी टिकट दे लेते हैं, और आप लोग यहाँ पे टिकट की प्राइस वगैरह आप लोग देख सकते हो। एंट्री होता है यहाँ से और एग्जिट होता है यहाँ से, यार आप लोग क्या बताओ। सो और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे ये सारे चीज़ें आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लोग आ चुके हैं अभी। सो गाइस यार आप लोग इस जगह के बारे में क्या बताओ यार, आते ही ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत ही अमेजिंग, क्या होता है अभी। सो अभी आगे आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है। और आप लोगों को तो टिकट के प्राइस बताना भूल ही गया था, टिकट के प्राइस है पर पर्सन 100 रुपीज़। और आप लोग वैसे भी आप लोगों को प्राइस की लिस्ट तो आप लोगों को दिखाई दिया था। सो और गाइस यहाँ पे ये सब कुछ बताया गया, आप लोगों को पास से दिखाता हूँ सभी क्या क्या चीज़ें हैं। प्ले जोन है, द आर्ट गार्डन, और आप सब देख लो यार, मैं आप लोगों को कितना बताऊँ। और जो आप लोगों को बताया था अमीरों की कॉफ़ी, तो अंदर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सो 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 यहाँ पे आप लोग पेंटिंग वगैरह आप लोग देख सकते हो, आते ही सबसे पहले आप लोगों को पेंटिंग देखने को मिल जाएगा। सो जो यहाँ पे भी है, और यहाँ पे है ये क्या यार, मेरे पास वाइड एंगल तो नहीं है जो आप लोगों को ठीक से दिखा सको, बट पेंटिंग बहुत अमेजिंग है। द आर्ट लॉबी, सो यार बहुत ही अमेजिंग पेंटिंग्स है यार। सो अभी अंदर चलते हैं द सेंट्रल हॉल। भाई साहब आप लोग ऊपर देखो यार, यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, जो चीज़ें आसाम में बेसिकली मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो सभी ऊपर लगाए गए हैं। सो अभी आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे, और ये हॉल देख सकते हो जो, और पहले ये एक डीसी बंगलो था जो जिसे चेंज करके आजकल ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर बना दिया गया है। आप लोग देख सकते हो कितना अमेजिंग है, और ये था मीटिंग रूम था पहले के दिनों में, और आप लोग ये देख सकते हो। सो आप लोगों को पूरा रूम इस तरीके से आप लोगों को ठीक से दिखा देता हूँ, उसके बाद बातें करते हैं आप लोगों से। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पहले के दिनों के कैमरे, आप लोग देख सकते हो यार। और ये वाला राइट वाला जो पहले वाला दिख रहा है वो है निकॉन, निकॉन या क्या है पता नहीं, लोग देख सकते हो यहाँ पे ये
और इन लोगों को देखो यार, और यहाँ पे भी दो कैमरे से, कितना अमेजिंग यार। यहाँ पे हर तरफ कुछ ना कुछ है यार, आप लोग क्या बताऊं। और ये आप लोग को मास्क वगैरह देख सकते हो, इतने अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। यहाँ पे बुक्स वगैरह है, और मैंने सुना था कि यहाँ पे सभी बुक्स है जो भी ब्रह्मपुत्र के ऊपर, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर लिखे गए हैं, सभी बुक्स यहाँ पे है, आप लोग देख सकते हो। ब्रह्मपुत्र के ऊपर जो भी बुक्स बनाए गए वो सभी यहाँ पे है। सो अभी यहाँ से चलते हैं, लोगों को दिखाते हैं। और गाइस यहाँ पे वीडियो बनाने में बहुत ही मजा आ रहा है यार, आप लोग क्या बताओ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है हमें कुछ भी बोलने के लिए, इसलिए हम पूरा पूरी तरीके से हम पूरा इंडिपेंडेंसली वीडियो बना सकते हैं, कोई भी कुछ भी बोलने वाला नहीं है, आप लोग क्या बताओ यार। सो गाइस अभी आप लोगों को ये वाला नहीं दिखाया था। सो और ये पहले के दिनों में, पहले ठंडी के दिनों में यहाँ पे आग लगा के पूरा बैठा जाता था, अभी क्या बताओ यार, अभी लोग आ चुके हैं। और ये वाला चीज़ मुझे बहुत पसंद है यार, पहले के म्यूजिक सिस्टम आप लोग बोल सकते हो इसे। सो अभी इसके अंदर चलते हैं। और ये क्या है यार, द व्यूइंग रूम। सो और आप लोग जो भी आसाम से, उन लोगों को तो पता ही होगा इससे क्या करते हैं, कपड़े बनाने में, कपड़े बोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो अभी आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ पे कोई भी लोग नहीं है, जब भी बोला तभी मेरे सामने ही लोग आ गए यार, क्या बताओ। सो डू नॉट टच, ये क्राफ्ट शॉप, अच्छा। सो यहाँ पे क्राफ्ट शॉप दिखाना मना है आप लोग, क्या बताओ यार। सो अभी आप लोग को ऊपर दिखाता हूँ ऊपर क्या क्या चीज़ है। सो और यहाँ पे मैं थोड़ा धीमी आवाज़ में बात कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोग भी हैं, उन लोगों को डिस्टर्ब हो सकते हैं, आप लोग क्या बताओ। सो अभी ऊपर चलते हैं इन सीढ़ियों से। भाई ये पूरा लकड़ी का है यार ये बंगलो, यार डर लग रहा है यार लकड़ी की आवाज़ सुन के। सो गाइस आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे ऊपर आसाम के सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे है ढोल, और यहाँ पे है क्या यार, देख सकते हो आप लोगों, नीचे के सभी चीज आप लोगों को दिखा देता हूँ। सो और यहाँ पे बीच में भी है, है बहुत ही अमेजिंग जगह यार, आप लोग क्या बताओ। और जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ, ऐसा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि बहुत ही अच्छा हो, जो आप लोग पैसे खर्च करके आओगे तो आप लोगों को मज़ा आना चाहिए देख के, है कि नहीं भाई। आप लोग बता देना मुझे कमेंट करके, आप लोग ये देख के कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सभी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप लोग को देखने को मिल जाएगा, और ये सभी लकड़ी से या बांस से बनाए हुए हैं, आप लोग को दिखा देता हूँ। और ये असमिस पेपा जो आप लोग को वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो बनाया था वो भी आप लोगों को दिखा था, सबसे बड़ा वाला। भाई यार और ये क्या है यार, थक भाई साहब, ऊपर भी है। गाइस आप लोग क्या बताइए यार, ये लकड़ी का है पूरा फ्लोर, इसलिए डर लग रहा है यार, कर कराहट की आवाज आ रही है यार। और ये डोबा, और यहां से पूरा संसद, पूरा
क्या बताओ यार, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है गाइस। आप लोग, लाइट है बट लाइट का कोई भी काम नहीं है इन ग्लास की वजह से। आप लोग देख सकते हो पूरा रोशनी अंदर आ रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे है कि नहीं भाई। यहाँ पे कोई भी लाइट नहीं है जो जल रहा हो यार, है कि नहीं। अभी दिन का समय है ना इसीलिए। हाँ, और ये ग्लास भी बहुत ही अजीब अलग तरीके से लगाया गया है जैसे पूरा रोशनी आ रहा है यार अंदर। सो अभी आप लोगों को नीचे आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यार। सो गाइस अभी ऊपर की आप लोगों को सभी चीज़ें दिखा चुका, अभी नीचे चलते हैं। सो गाइस चलिए, सो अभी नीचे चलते हैं। यार डर लगता है यार, ये पूरा बिल्डिंग लकड़ी से बनाया हुआ है और ऊपर का जो फ्लोर था ना वो भी लकड़ी से यार, इसलिए डर लग रहा है अगर टूट गया तो डायरेक्ट नीचे। सो गाइस, सो गाइस आप लोग ये चेयर्स देख सकते हो। सो गाइस यहाँ पे बैठ के कितना मज़ा आ रहा है आप लोगों को, क्या बताओ यार। ये बहुत ही अमेजिंग जगह है। अगर आप लोग किसी काम गुवाहाटी आ रहे हो या घूमने के लिए आ रहे हो, आप लोगों को ज़्यादातर क्या मालूम होगा, असम स्टेट जो या डिगिलीपुरी चलते हैं। अगर आप लोग आ रहे हो तो ये जगह भी ऐड कर लो अपने विश लिस्ट में, जहाँ पे आप लोग घूमने के लिए जा सकते हो, ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर। ये बहुत ही अमेजिंग जगह है, जो ये पहले डीसी बंगलो हुआ करता था उससे अभी चेंज करके एक ब्रह्मपुत्र रिवर हेरिटेज सेंटर बना दिया गया है। और यहाँ पर आप लोग को कोई भी गाइड देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ क्यूआर कोड वगैरह है जिसे स्कैन करके आप लोगों को सभी चीज़ें आप लोगों को बारी बारी से पता चल जाएगा। आप लोगों को अभी दिखाता हूँ क्यूआर कोड वगैरह। सो अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे ज़्यादा तो मालूम नहीं है, इसके लिए अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ़ कर देना। सो गाइस अभी आप लोगों को दिखाता हूँ भाई यार, और फिर से बता देता हूँ यार, इसमें बैठ के बहुत ही मज़ा आ रहा है गाइस। आप लोग क्या बता, अभी आप लोगों को क्यूआर कोड वगैरह आप लोगों को दिखाता हूँ। सो गाइस रुकिए। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये क्यूआर कोड वगैरह है, इसे स्कैन करके आप लोगों को सभी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगा। सो और ये शायद ऑफिस रूम हुआ करता है यार, सही नहीं यार, ये ऑफिस रूम है शायद, आप लोग क्या बताओ। सो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ सभी चीज़ आप। सो हम हर जगह पे एक एक बार के बैठ के देख रहे हैं यार, कौन सा सीट कितना मज़ेदार है, आप लोग क्या बताओ। और यहाँ पे ये भी बैठा हुआ है और मैं यहाँ पे हूँ। सो अभी बाहर आ चुके हैं, तो अभी उस साइड चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। सो अभी आप लोगों को दिखाते हैं इस साइड, अभी बाहर आ चुके हैं हम लोग। सो आप लोग ये देख सकते हो यार, छोटे घर कितने अच्छे लग रहे हैं। सो अभी आप लोगों को दिखाते हैं, और ये सब ऐसा लग रहा है कि क्या बताऊँ आप लोगों को, पता होगा ये सब घर देख के आप लोग कैसा लग रहा है, आप लोग बताना यार किस चीज़ के घर लग रहे हैं। बट ये सभी छोटे बच्चों के लिए। सो आप लोग ये घर वगैरह आप लोग देख सकते हो, और यहाँ पे चढ़ना मना है, यहाँ पे सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। बट जो ये वाला इस टायर से बनाया गया है, यहाँ पे बैठना मना नहीं है, वो अलग बात है। सो मैं भी बैठ जाता हूँ अभी। सो गाइस इसी के हैं मज़े, क्या बताओ यार आप लोगों को, यहाँ पे आप लोग आके ये सब मज़े करो। और यहाँ पे ये भी है, इस पर भी थोड़ा बैठ जाता हूँ। इस पर ये बैठा हुआ था जो अभी कैमरा कर रहा है, वो अलग बात है, ये इस पर बैठ के बहुत ही मज़े ले चुका, अभी मैं भी लेता हूँ थोड़ा। और यहाँ पे पूरा साफ सीढ़ी है, आप लोग देख सकते हो। और मेरे पीछे दो लोग हैं, उन लोगों को देख के मैं बहुत ही नर्वस हो चुका, आप लोग क्या बताओ यार। और यहाँ पे पूरा एक चेस है यार। सो और यहाँ पे आप लोग आराम से बैठ सकते हो, यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, जो आप लोगों को ब्रह्मपुत्र का पूरा व्यू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यहाँ से। और वो रहा उमानंद टेम्पल, सामने आप लोगों को दिख रहा होगा। सो ये आप लोग पीछे का व्यू देख सकते हो, जो हम अभी होके आए हैं, आप लोगों को पास जाके दिखाता हूँ थोड़ा सा। सो यहाँ पे भी आप लोग रेस्ट कर सकते हो, देखने के लिए जगह भी है इस व्यू देखने के लिए। अभी जोर से नहीं बोल रहा वो अलग बात है, पैसे देखो यार, नाम के लिए तो ये मेरा दोस्त है बट मुझे छोड़ के ये अकेला भाई, किस तरह का दोस्त है यार ये मेरा, आप लोग देख सकते हो, ये मुझे छोड़ के अकेला ही ब्लॉग बनाने के लिए आ गया इस तरफ, मैं उस तरफ अकेला ही घूम रहा हूँ और ये यहाँ पे ब्लॉग बना रहा है अकेला। कुछ बोलो यार, अकेला घूमना चाहिए हमेशा, अकेला घूमना चाहिए, बट हम दोनों एक साथ आए तो एक साथ ब्लॉग बनाते हैं, एक साथ देख के पूरा, है कि नहीं भाई। आप लोगों को बताना यार कमेंट करके। अभी मैं आगे जा रहा हूँ इसके साथ, वो अलग बात है, मैं फिर से घूमता हूँ और आप लोगों को आगे क्या क्या चीजें आप लोगों को दिखाता हूं। और आप लोगों को जो यहाँ पे व्यू देखने के लिए मिलेगा, आप लोग क्या बताओ यार। और भाई यार
ये कितना ऊंचा है यार, अगर यहाँ से गिरा तो डायरेक्ट कब्रस्तान या शमशान। आप लोग यहाँ से एक व्यू देख सकते हो और आगे भी बैठने के लिए जगह है। और ये रहा अमीरों की कॉफ़ी, क्या बताओ यार आप लोगों को। सो अभी दिखाता हूँ पास से, सो गाइस चलिए। और आप लोग यहाँ पे एक मीटअप कर सकते हो, जम करने का मन कर रहा है बट अगर गिरा तो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं गिरता हूँ यार। स्टारबक्स। और गाइस ये रहा ये, और आप लोगों को नीचे जाके दिखाता हूँ। सो गाइस यहाँ पे आप लोग मीटअप वगैरह कर सकते हो, सभी लोग आपके लिए ऊपर बैठे होंगे और मैं यहाँ पे। आप लोग इमेजिन करो ऊपर सभी लोग मेरे लिए बैठे हुए और मैं यहाँ पे व्लॉग बना रहा हूँ, कितना मजा आएगा यार। बट अभी क्या बताऊँ यार, अभी कोई भी नहीं है। सो अभी ऊपर चलता हूँ, कोई भी नहीं है, ये तो रियलिटी है। बट कभी ना कभी तो बहुत सारे फैन बन जाएंगे, तब मीटअप करेंगे ज़रूर, है कि नहीं गाइस। तो ये अमीरों की कॉफ़ी। और गाइस आप लोग ये देख सकते हो यार, तो ये बच्चा आप लोग देख सकते हो मछलियाँ पकड़ रहा है और इसे मछलियाँ भी मिल गया है यार। और गाइस आप लोग क्या बताओ यार, मैं जब भी किसी जगह पे जाता हूँ यार, उस जगह को देख के ऐसा लगता है कि भाई यार कितना अमेजिंग जगह है, और आप लोगों को सिर्फ उस जगह की तारीफ करते ही रह जाता हूँ यार। और सच है यार, मैं जिस जगह की भी आप लोगों को तारीफ करता हूँ वो जगह बहुत ही औसम है। आप लोग क्या बताओ यार, आप लोग ये बच्चों को देख सकते हो यहाँ पे, जो ये पुतले वगैरह बनाए गए कितने औसम है, आप लोग क्या बताओ। और आप लोग ये मूर्ति वगैरह आप लोग को पास से दिखा देता हूँ, सो आप लोग देख सकते हो। और गाइस ये नाव रियल है यार, आप लोग देखो ये पूरा रियल लकड़ी के है यार, क्या बताओ आप लोग। सो अभी हमारे यहाँ पर यहाँ का पूरा घूमना हो चुका है। सो गाइस अभी यहाँ से चलते हैं, हमारा पूरा ही शूट खत्म हो चुका है। सो गाइस चले। सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो देख के अच्छा लगा होगा, आप लोगों को अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। और ये जगह ज़्यादा बड़ी नहीं है, बट छोटी है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को क्या बताओ यार, जो भी 100 रुपीज़ आप लोगों को टिकट के प्राइस लगते हैं ना यार, पूरा पैसा वसूल हो जाता है, आप लोगों को क्या बताओ। सो अभी चलता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में ऐसा ही मिलता हूँ। सो गाइस चलिए चलता हूँ।